एबीपीएस न्यूज़। नमस्कार, मैं शिल्पी त्रिपाठी, एबीपीएस के खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव की ओर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंचायत को लेकर। सिद्धार्थ नगर के विधायक श्याम धनी राही सर हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आभारी हैं आप लोगों के यहाँ आने का। विधायक जी, ये बताइए कि आज हमारे देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी आज भी ग्राम पंचायतों गाँव की जो स्थितियाँ हैं उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 70 वर्ष देश आज़ाद हुए हुआ, इन 70 वर्षों में केवल विकास के पैसे को लूटने का काम लोग किए, जेलों में गए, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारें चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी की हो, ये दोनों लोग केवल जातीय समीकरण को लेकर उत्तर प्रदेश में कार्य हुआ, क्योंकि कांग्रेस का प्रधानमंत्री कहता है जब कोई विकास का कार्य होगा तो सबसे पहले मुसलमानों का अधिकार होगा। तो ये जातीय समीकरण से विकास का कार्य संभव नहीं है। इस नाते माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का सपना है सबका साथ सबका विकास, तभी विकास का कार्य संभव होगा। विधायक जी बताइए, प्रदेश के विकास में शिक्षा भी आती है, लेकिन गांव में स्कूल तो हैं लेकिन उसमें अध्यापक नहीं है, इसका क्या कारण है? देखिए, पूर्ववर्ती सरकारें केवल कागजों में सिमट कर रह जाती थी, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी आए हैं, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि शिक्षा को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि जब शिक्षित होंगे तभी किसी कार्य में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। इस नाते परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी प्राथमिक विद्यालयों में अच्छे ड्रेस, पुस्तक, बस्ता और जूता, मोजा, ये सब मुहैया कराए हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारें समाजवादी पार्टी की सरकार उन छोटे बच्चों को होमगार्ड बनाने का काम किया था, ऐसा ड्रेस पहनाया था जिससे होमगार्ड वो पहनते थे। और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जब शासन में आए तो उन्होंने विद्यालयों में ये सब व्यवस्था कराया और ठंडक के लिए स्वेटर, अच्छा, ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। और हम लोग भी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने विधानसभा में कहा कि विधायक लोग भी प्राथमिक विद्यालयों में जाएं और उन्हें चेक करें अच्छे ढंग से पढ़ाई हो, और वो कार्य हो रहा है। विधायक जी, ये बताइए कि प्रदेश में 59,163 गांव हैं, लेकिन उसमें से अभी बहुत से गांव में जरूरत की जो मौलिक जरूरतें हैं वो नहीं पहुंच पा रही, इसकी वजह क्या है? देखिए, पूर्व में माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, माननीय राजनाथ सिंह जी हुआ करते थे, उस समय किसानों के लिए उनका जो जोत बही बनवाए जिससे कि ये किसान कहीं भी लेकर के जाए और उसी जोत बही के आधार पर उन्हें कृषि ऋण मिल सकता था, ये सारी योजनाएं थी। लेकिन जब आज 15 वर्षों से जिस तरह से वनवास भारतीय जनता पार्टी का हो गया था और पुनः सरकार भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में नहीं है, तब से विकास की गंगा बह रही है और गांव में विकास हो रहा है, किसानों के लिए उनके ऋण के लिए व्यवस्था हुआ है और नौजवानों के लिए 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक उन्हें बैंकों से ऋण लेकर के अपनी मनचाहे दुकानें चलावें और उससे अपनी रोटी चलावें और धीरे धीरे उस पैसे को जमा करते रहें, ये सारी व्यवस्था हो रही है। ये बताइए कि 5 या 10 या 12 ग्राम पंचायत पे एक सचिव है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, एक सचिव एक ग्राम पंचायत पे होना चाहिए या फिर 10-12 पे एक सचिव होना चाहिए? नहीं, देखिए, व्यवस्था तो फिलहाल अभी चल रहा है और अब ये हो रहा कि सचिव जो है बढ़ाए जाए जिससे कि जो कार्य विकास का हो रहा है उसका एस्टीमेट और ये सब जांच पड़ताल हो, और जिससे विकास के कार्यों में जो पूर्व में घपला हो रहा था वो सही ढंग से अब कार्य हो।
इतना सचिवों का आवश्यकता है। विधायक जी ये बताइए कि जो गांव के लोग हैं उनके लिए पशुधन ही उनका धन है, तो चिकित्सालय तो है ही नहीं, तो ऐसे जो पशुओं की सुरक्षा है वो कैसे होगी? देखिए पशु चिकित्सालय तो अभी 9 महीने सरकार बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, और पशु चिकित्सालय गौशालाएं ये सब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी पर उनका पूरा का पूरा ध्यान है, क्योंकि आज किसानों की जो फसल को बर्बाद कर रहे हैं हम ही ऐसे किसान लोग उसको छोड़े हुए हैं, और इसी नाते परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने हर जनपदों में गौशाला बनाने का काम किया है, और चिकित्सकों का जो है नियुक्ति गांव स्तर और ब्लॉक स्तर पे तो है, लेकिन अभी गांव स्तर ब्लॉक स्तर गांव स्तर पे नहीं हो पाया है, वो भी व्यवस्था परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी सोच रहे हैं। अच्छा विधायक जी ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ये जो चल रही है, ये बहुत जगह देखा गया है कि इससे ग्राम प्रधान का कोई लेना देना नहीं है, अगर ये सही है तो कैसे सही है? देखिए पूर्व में आवास जो निर्बल वर्गों को दिया जाता था उसमें बंडर बात होता था, और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में वो पैसा जा रहा है, और उनको एक मॉडल दे दिया गया है, उस मॉडल के अनुसार उनके आवास बन रहे हैं, क्योंकि वो आवास का मॉडल इनको ऊपर तक भेजना रहता है, इस नाते वो सही ढंग से बन रहा है। जी बताइए आपके हिसाब से गांव में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि आम आदमी अपनी खुशहाल जिंदगी जी सके और अपने परिवार को भी खुश रख सके? देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, गांव का सबसे जरूरी शौचालय, तो शौचालय भी आज गांव-गांव बन रहे हैं, पूर्व में आवास के साथ शौचालय रहता था, लेकिन पहले ही पैसा निकलवा करके चाहे ग्राम प्रधान रहे हों या उसके सेक्रेटरी रहे हों ये सब बंडा बांट करते थे, लेकिन अब व्यवस्था हो गया है कि शौचालय लाभार्थी के उसमें जा रहा है, पैसा शौचालय का जा रहा है, और सही ढंग से बन रहा है, क्योंकि स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है, क्योंकि आज गांव में जो सड़कों पर पूर्व से शौच लोग करते थे, माता बहनें दिन डूबने का प्रतीक्षा कर रहे थे, उन सभी को देखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने यह संकल्प लिया कि हर गांव में हर घर में शौचालय का निर्माण होगा, और उनका पैसा उनके खाते में जा रहा है, तभी स्वच्छ भारत का सपना सही होगा। आप हमारी ग्रामीण जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय 2 लेन 4 लेन 6 लेन 8 लेन सड़कों का जाल बिछ रहा था, लेकिन जब पुनः केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी तो उन सभी विकास के कार्यों पर विराम लग गया था, और जब केंद्र और प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है पुनः अब विकास का कार्य हो रहा है, गांव में नाली खड़ंजे ये सबका निर्माण शुरू हो गया है, और अब जो है गांव में खुशहाली आने लगी है। धन्यवाद विधायक जी। तो ये तो थे हमारे विधायक सिद्धार्थ नगर के विधायक श्याम धनी राही जी, आगे हम अन्य लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे, तब तक के लिए शिल्पी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।